नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वी इनोटी सब्लिमेशन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किस तरह के टी शर्ट्स पे सब्लिमेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह की वैरायटी होती है टी शर्ट्स की, बहुत कलर्स होते हैं। कन्फ्यूजन बहुत लोगों को ये रहती है कि प्रिंटिंग कैसे करें और किस तरह की टी शर्ट पर करें। तो मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की टी शर्ट पर किस कलर प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और बहुत हेल्प मिले इन चीजों के लिए। कुछ टी शर्ट रखी हुई है मैंने जिसपे आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं। पहला तो आपका व्हाइट कलर हो गया। जनरली सभी लोग व्हाइट पर प्रिंटिंग करते हैं, बट व्हाइट हर तरह की टी शर्ट प्रिंटिंग नहीं कर सकते, हर तरह की फैब्रिक प्रिंटिंग नहीं कर सकते। पॉलिस्टर होना जरूरी है, जितना ज्यादा पॉलिस्टर होगा उतनी प्रिंटिंग अच्छी आएगी। तो ये एक पॉलिस्टर फैब्रिक है जिसे हम सहीना नायलॉन बोलते हैं, तो उस पर आप प्रिंटिंग करते हैं। इसके साथ साथ ही आप कलर्स पेपर, जैसे अपने पास में पिंक कलर हो गया, येलो हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, जितने भी लाइट कलर्स हैं फैब्रिक में, पहला पॉइंट आपने क्या ध्यान देना है कि आपके फैब्रिक में पॉलिस्टर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तभी प्रिंटिंग पॉसिबल है। दूसरा क्या ध्यान देना है कि जो फैब्रिक हो वो लाइट कलर में हो। लाइट जो मैं दिखा रहा हूं आपको, येलो दिखा दिया आपको मैंने, पिंक दिखा दिया, ग्रीन दिखा दिया, ये ऑरेंज हो गया, ये अपना ग्रे हो गया। ये ग्रे फैब्रिक कोलर में है, राउंडनेक में भी इसका अवेलेबल होता है, तो राउंडनेक में भी आप ग्रे में प्रिंटिंग कर सकते हो। बट ग्रे क्या है, लाइट कलर प्रिंट होगा तो प्रिंटिंग होगी, अदरवाइज प्रिंटिंग में दिक्कत आएगी सब्लिमेशन में तो खासकर। और ये हो गया आपका स्काई ब्लू। इसमें एक और चीज है, जब हम प्रिंटिंग करते सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती क्या है ये भी हमें ध्यान देना होगा। सब्लिमेशन प्रिंटिंग में बेसिकली इंक ट्रांसफर होती है, तो इंक ट्रांसफर हम किसी व्हाइट फैब्रिक पर करते हैं। जैसे हमने दिखाया था व्हाइट फैब्रिक, ये आप पीछे देख लोगे प्रिंटिंग की हुई मैंने पीस, ये तो व्हाइट पे पूरा जो आप कलर होते हैं, जो भी आपका CMYK के कलर होते हैं, पूरे नेचुरल दिखते हैं। बट अगर हम वही प्रिंटिंग किसी अपने कलर्स पे करते हैं, किसी और दूसरे कलर्स पे करते हैं, तो उसमें क्या है कि बेस टी शर्ट जो दिखेगा, हम यही प्रिंटिंग यदि ये वाली करते हैं, तो जो अपना ये रेड टोन दिख रही है आपको, उसपे पिंक पे रेड मिलकर कुछ और टोन हो जाएगी। तो मैं उसकी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रिंटिंग दिखाऊंगा कि लाइट कलर पे प्रिंटिंग करने के बाद में कितना अंतर आता है। तो ये सारी हो गई सब्लिमेशन प्रिंटिंग के लिए। अभी मेरे पास डार्क कलर की टी शर्ट्स भी है, जैसे रेड हो गया, ये ब्लैक है राउंड नेक में, ये कोलर में मैरून कलर है। तो ऐसे जो भी डार्क कलर, नेवी ब्लू कलर हो गया, रॉयल ब्लू कलर हो गया, या पाकिस्तानी ग्रीन कलर हो गया, इन सब पे हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बार को जो भी हमारे ब्लैक को हटाकर या नेवी ब्लू को हटाकर बाकी जो कलर्स है इन पे हम सब्लिमेशन में ब्लैक कलर प्रिंट कर सकते हैं। ब्लैक की खाली प्रिंटिंग, खाली नाम लिखना होगा आपको तो वो कर सकते हैं, बट फोटो प्रिंटिंग वाली बात आ गई, किसी लोगो आ गया, वो प्रिंटिंग हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे आप इस पर डिटेल प्रिंटिंग कराइए, स्क्रीन प्रिंटिंग कराइए, वो आप कर सकते हो। और मैं दोबारा आप रिपीट कर रहा हूं कि खाली लाइट कलर होना ही जरूरी नहीं है, लाइट कलर के साथ साथ में इसमें पॉलिस्टर की मात्रा भी होनी जरूरी है। जितनी ज्यादा पॉलिस्टर की मात्रा होगी उतनी प्रिंटिंग अच्छी आएगी। सब्लिमेशन प्रिंटिंग में हमें एक फायदा और मिलता है कि ये प्रिंटिंग लाइफ टाइम की तरह होती है। जो प्रिंटिंग हो गई वो पूरी फैब्रिक में मर्ज हो जाती है। ये स्किन प्रिंटिंग की तरह, डिटेल प्रिंटिंग की तरह आपको उभरा हुआ दिखाई नहीं देता, ये पूरा मर्ज हो जाता है इसके अंदर। और इससे आप कितने बार वॉश करो इस चीज को, आप हमेशा ये प्रिंटिंग ऐसी ही दिखेगी। फैब्रिक डल होने लगता है वॉश के बाद में, बट प्रिंटिंग वही रहती है। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं या जिन्हें नहीं पता है सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती कैसे है, तो दोस्तों उसके लिए हमें एक ये मशीन लेनी होती है, सब्लिमेशन हीट प्रेस मशीन, जिसपे आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये वो मशीन होती है, इसमें आपका 5 अटैचमेंट होते हैं आपके पास में। एक फ्लैट का हो गया जिसपे हम टी शर्ट प्रिंटिंग करते हैं, साथ ही साथ में एक मक की मशीन का अटैचमेंट हो गया, इसपे हम मक प्रिंट करते हैं। मेरी पुरानी वीडियो में देखोगे तो मक प्रिंट करके दिखाया हुआ मैंने। ये अटैचमेंट कैप का होता है, इस पर आप कैप से प्रिंट करते हैं, ये भी इसी मशीन से अटैच होता है। ये छोटे मक का होता है और ये प्लेट्स का होता है। तो इस मशीन से हम लोग सब्लिमेशन प्रिंटिंग करते हैं और साथ ही साथ हम इससे डिटेल प्रिंटिंग भी करते हैं, क्योंकि ये खाली जो मशीन है वो हीट ट्रांसफर मशीन है,
ये खाली आप हीट देती है, प्रिंट आउट हमारा जो ये प्रिंटर है सर्वेशन का, इससे प्रिंट आउट निकालते हैं हम लोग। आपके पास में कोई भी इंक टेक सिस्टम होता है तो उसमें आप नोट कर सकते हैं सर्वेशन के लिए। तो इससे हम प्रिंट आउट निकालते हैं और उस प्रिंट आउट को, इस प्रिंट आउट को फैब्रिक के ऊपर रखकर ऐसे इस तरह से टी शर्ट के ऊपर रखकर और पेपर रखकर हमें ये प्रेस करना होता है। तो इस तरह से प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग किस तरीके से होती है पूरी डिटेल जो है वो मेरी पुरानी वीडियो में है, आप उसमें देख सकते हो, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह वीडियो किस तरह प्रिंटिंग होती है। ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।